परमेश्वर की दस आ गया है। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ा किसी की नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम प्रार्थना लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, परस्त्री की कामना ना करना, पराए धन पर लालच ना करना। आमीन। कलिसिया के छह नियम। कलिसिया के लोगों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलिसिया के नियम मानना। विश्वास की बिनती धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सब देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पवित्र साथ है धन्य स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। ईश्वर की पौत्र माँ हमारे प्रार्थना कर, हम के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, क्रूस के द्वारा खान की मेहमान को मैं हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। तो अभी थोड़ा हम लोग सुनेंगे जो चर्च में बोलना था, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं। सब हो जाए यीशु। अभी थोड़ा हम सुनेंगे। सर्वप्रथम हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा है और यह दिन देखने को दिया, और आज इस मंडली में एकत्रित होने का शुभ अवसर मिला, जिनके लिए हम कितने दिनों से तैयारी में लगे थे।
वहाँ खड़ी पहुँच गया है। इसे आज हमारे सामने सफेद और नए नए कपड़े पहने बच्चों को देखने को मिल रहा है। ये 12 बच्चे पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने ईश्वर को पाकर इनकी कितना खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा होगा। इनके खुशी और आनंद में हम सभी माता पिता भी सहभागी होकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये बच्चे सदा ईश्वर के साथ जुड़े रहें। तो आइए इस माहौल को शांत वातावरण में रखें। अभी ये 12 बच्चे और पुरोहित के साथ हम गिरजा में प्रवेश करेंगे। बच्चों को टीका लगाया जाएगा। पुरोहित को गेट के पास हाथ धुलाई आरती टीका होगा। पुरोहित वेदी की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने पूरी तरह हाथों के द्वारा मिसा संपन्न करेंगे। और आज का मिसा का भाग इस प्रकार है, बाइबल जुलूस निवेदन और महाआरती। आप सबों को जय यीशु। सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम का परिचय देने के लिए। और विशेषकर आज 12 बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने लगभग जब से मैं आया तब से मैं बोला कि धर्म क्लास तो हमारा 2 महीना पार हो गया, तो 2 महीना ही बोल के चलिए। तब से लोग लगातार मिसा के लिए भी आते हैं और प्रार्थना के लिए भी आते थे। तो यही लोग हमारे इस गंधार मठ पल्ली के एक न्यू है। हम देख रहे हैं, बुरा लगने की बात नहीं, यहाँ पुरुष लोग गिरजा नहीं आते हैं। तो यही लोग एक दिन अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। और जब यीशु ख्रिस्त चाहे आप राम को मानिए या काली माता को मानिए या अल्लाह को मानिए, जब तक भगवान से आपकी जुड़े हुए रिश्ता नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा कर्ज नहीं है और श्राप भी नहीं है, ये हकीकत है। तो आपके सामने यहाँ गिरजा है लेकिन आप लोग यहाँ बैठते हैं लेकिन आते नहीं हैं। हम आपकी सेवा में आए हैं, आप लोग मेरी सेवा करना चाहिए, लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ 2 महीना बीत गया, कोई मुड़ करके नहीं देखते हैं गिरजा को। आप आएंगे तभी गिरजा का सुहान बढ़ेगा, आपका बाल बच्चों लोग का जिंदगी बनेगा और गुजरेगा। हम क्यों आते हैं यहाँ आप लोगों का बाल बच्चा को रास्ता दिखाने के लिए, इसलिए रास्ता को बंद मत कीजिए। यहाँ पर कलीसिया का उत्पादन सृष्टि हुआ है कलीसिया का, यहाँ उस कलीसिया को बनाए रखे। इन 12 बच्चे लोग जैसे यीशु ख्रिस्त के कितने शिष्य थे, 12 शिष्य, देखिए कितना बड़ा एक चमत्कार है। और आज 12 सितंबर है, यीशु ख्रिस्त के 12 शिष्य और आज 12 सितंबर है और 12 बच्चे। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह का तारीख के साथ फिट खाएगा, इस तरह 12 शिष्यों के साथ फिट खाएगा, कभी नहीं लगा था इसे। तो कृपया आप लोगों से आग्रह है, माताएं और बहनें लड़कियां बच्चे तो आते हैं लेकिन पिता और पुरुष लोग से आग्रह करूँगा, आप लोग सही मार्ग पर नहीं रहेंगे तो आपके बाल बच्चे आपके परिवार तहस नहस हो जाएगा। और आप देख रहे हो आज तक कहाँ पहुँचना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन आप जमीन पर ही पड़े हुए हैं। जो लोग कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं कोई देखभाल नहीं करेगा आपकी, आपको अपना पैर पे खड़ा होना है। और पैर पे खड़ा होने के लिए उस भगवान को जब तक आप नहीं पकड़ के चलोगे, उसको प्यार नहीं करोगे, तो असंभव है ज़िंदगी, क्योंकि ये हमारा देखा ताका चीज़ है। और आप भी जो हमारे से बड़े उम्र के लोग हैं ये भी आप देख रहे हैं कि आपकी पीढ़ी कहाँ तक जा रही है। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं प्यार से समझा रहा हूँ। ये शायद मेरे को ईश्वर ही बोलने के लिए वचन दे रहे हैं मुझे मुँह से। तो आज के सुंदर दिन के लिए जिस बच्चे लोग ने आज परम प्रसाद की तैयारी में अपने आप को समर्पित किए, उनके माता पिता उनको अनुमति दिया, और ये बच्चे जो हैं परम प्रसाद जो ले रहे हैं, ये बच्चे लोग पूर्ण रूप से क्रिस्तीय परिवार से हैं। माता पिता पूर्ण रूप से क्रिस्तीय हैं, पूरा परिवार। तो ऐसे परिवार को मैं चाहता हूँ और वही परिवार आगे बढ़ेंगे। ईश्वर का पैर, ईश्वर का हाथ, ईश्वर का दिल थामे रहिए और आपको जो नहीं मिलता वो मिलेगा, चंगाई भी मिलेगी, वरदान भी मिलेगा। ये हकीकत है, मैंने बहुत साक्ष्य दिया है और विकलूप भी किया है, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छी घटनाएं हुए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज के कार्यक्रम में सारे हृदय से स्वागत करता हूं, और स्वागत करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि आज मिसा बलिदान में जैसे भाग लेने जा रहे हैं आप लोग, मन और दिल से पूर्ण रूप से भाग लीजिए। जरूर आपको ईश्वर वरदान देंगे, जरूर कुछ होने जा रहा है आपके साथ, अच्छा चीज़ होने जा रहा है। इसीलिए कृपया आप लोग हरकत नहीं करेंगे, अभी प्रोसेशन में जाएंगे हम लोग, एक लाइन में जाएंगे वो अच्छा होगा, है ना। तो एक लाइन में जाएंगे, उसके अगल बगल में माता पिता लोग रहेंगे, दो लाइन में जाएंगे, लंबा हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, अनुप्रिया है, अनुप्रिया के माता पिता लोग आइए, एक जन इधर आइए और एक बार एक जन वहाँ आने, तुम हाँ आओ तुम इधर, हाँ हाँ अच्छा ठीक, आप रोकी के पास आइए, आप रोकी के पास आइए, हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ आप आए, हाँ उधर ही रहिए, और ठीक आप और इधर इनका क्या नाम है, अभिनव के माता पिता आइए इधर, हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक, हाँ दीदी और ठीक है, सब लोग हैं। तो हम लोग प्रार्थना हो चुकी है, हम लोग भक्तिपूर्वक जाएंगे, तो उसके जाने के पहले कुमकुम लगेगा और इनका बैच लगेगा और मोमबत्ती को जला करके जाएंगे। पहले कुमकुम लगा दीजिए, फिर बैच लगा दीजिए, पहले कुमकुम इधर से लगाते जाओ, इधर से कुमकुम लगा, इधर से सबसे वीडियो हो जाएगा, लगा दो प्रभु को अपना प्यार दिखाए, प्रभु को दिल से धन्य होता।